एक बार अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोलें दोस्तों। यदि आपके जीवन से समस्या समाप्त ही नहीं हो रही है, आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके थक चुके हैं लेकिन आपको परेशानियों से निजात नहीं मिल पा रही है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। समस्या चाहे कोई भी हो, उसका निवारण हम आपको आज की वीडियो में बता देंगे, जिसको आपको केवल एक ही बार प्रयोग में लाना होगा। आपको करना क्या है आज, यह हम आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। बस आपको अच्छे से इस उपाय को कर लेना है, या फिर यदि आप चाहें तो इसे कहीं पर लिख भी सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर लें। बस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि कई लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर चली जाते हैं और जब उपाय करने लगते हैं तो वापस से कमेंट में आकर पूछते हैं। लेकिन आप एक बार प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं हमेशा की तरह आपके कमेंट का जवाब दूंगी। कितनी बार कुछ लोग कमेंट करके ऐसे भी पूछते हैं कि उनकी यह समस्या है, इसका क्या हल होगा, तो उन सभी के लिए अलग अलग समस्याओं के निवारण हेतु ही मैंने यह एक वीडियो बनाई है। तो आपकी जो भी समस्या हो, आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें। आपको करना क्या होगा, पहले तो आप शांत मन से एक जगह बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और उसके बाद आपको सोचना है कि मेरी परेशानी क्या है। ये परेशानी कुछ भी हो सकती है दोस्तों, चाहे विवाह संबंधी परेशानी हो, रोजगार से जुड़ी परेशानी हो या धन संबंधी परेशानी हो, संतान संबंधी, नौकरी संबंधी या फिर परीक्षा से संबंधित, या फिर प्रेम विवाह संबंधी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको केवल अपने मन में उस समस्या के बारे में सोचना है। अब आप अपने मन ही मन में ये सोचें कि आपके घर के आसपास में कौन सा मंदिर है। आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो, वह मंदिर छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का मंदिर हो सकता है, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, चाहे वह मंदिर भगवान शिव जी का हो, माता दुर्गा का हो या फिर किसी अन्य देवी देवता का मंदिर हो, वह किसी भी भगवान का मंदिर हो सकता है। बस आप केवल उस मंदिर को अपने मन में सोचें और उसके पश्चात आप अपनी परेशानी के बारे में सोचें। और अब आपको क्या करना है, इस मंदिर में जाना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो मैं आगे की आपको बात बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको चावल के दो दाने ले लेने हैं। चावल के ये दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको घर से दो चावल के दाने लेकर मंदिर चले जाना है, और जब आप ये चावल के दाने लेकर मंदिर जाएं, तो मन ही मन में आप अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहें। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, आपके पास यदि कोई गमछा है या कोई रुमाल है, उसके एक कोने को पकड़कर आप मंदिर में थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। ऐसा आप कपड़े से, या फिर मंदिर में यदि झाड़ू मौजूद है तो आप उससे भी झाड़ू लगा सकते हैं। सफाई आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब ऐसा करने के पश्चात आप भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठ जाएं और उनसे प्रार्थना करें। लेकिन ध्यान दें, यदि शनिदेव का मंदिर है तो आप कभी भी शनिदेव की आंखों में ना देखें, क्योंकि उन्हें यह श्राप मिला हुआ है कि जो भी उनकी आंखों में देखेगा उसकी कुंडली में शनि की 7.5 आ जाएगी। इसलिए यदि आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो उनसे प्रार्थना तो अवश्य कीजिए, लेकिन उनकी आंखों में ना देखें। और यदि किसी अन्य भगवान का मंदिर है तो वहां आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। उनकी आंखों में देखते हुए अपनी परेशानी कहें और जो दो दाने चावल के आपके हाथ में हैं, उन चावल के दानों को अर्पित कर दें। ऐसा करते समय आप केवल भगवान का ही विचार करें, आपके मन में कोई अन्य बात नहीं चलनी चाहिए। अब चावल अर्पण करने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, वह परेशानी आप भगवान से मन ही मन में बताएं और भगवान से अपनी इस परेशानी का हल भी मांगें। उनसे कहें कि हे ईश्वर, मेरी ये परेशानी है, अब आप ही मुझे इस परेशानी से पार लगाएं। जब आप भगवान से अपनी परेशानी बताएंगे, उसका निदान मांगेंगे, तो आप विश्वास कीजिए भगवान उसका निदान अवश्य ही करेंगे। आप भगवान से ये भी कहें कि जो मेरे सामर्थ्य में था वह मैं आपको अर्पण कर चुका हूँ, अब मेरी यह जो समस्या है वह आपकी हो चुकी है,
अब आप इसका निवारण करें। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूँ, मुझे मेरी इस परेशानी का कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी मेरी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं संसार में पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। आपकी जो भी परेशानी है, आपकी आत्मा से निकले हुए जो भी शब्द है, आप उन शब्दों को, अपनी उस परेशानी को भगवान के सामने कहें। मन ही मन में आपको ये सारी परेशानियां सभी कुछ भगवान से बोलना है कि प्रभु मैं आपके दरबार में आया हूँ, इसलिए आप मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालिए। अब इस दरबार को छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ। आप भगवान से कहें कि हे भगवान, अब आप ही मेरी आखिरी तलाश हो, अब आप ही मुझे इन परेशानियों से निकाल सकते हैं। ऐसा आपको मन ही मन में स्मरण करते हुए भगवान पर पूरी आस्था के साथ बोल देना है। और इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप मन में पूरा विश्वास रखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है दोस्तों। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ये बोलती हूँ कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। आपको मन ही मन में भगवान पर इतना विश्वास बनाना है कि ये जो भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। और आपने जो वो दो दाने भगवान को चढ़ाए हैं, आप विश्वास कीजिए दोस्तों, भगवान उसकी रेस्पेक्ट जरूर करेंगे। बस केवल आप ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। ईश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि आपको आपकी हर समस्या का समाधान दे सकते हैं, चाहे वह समस्या कैसी भी हो दोस्तों। केवल ईश्वर ही ऐसे हैं जो कि आपकी किसी भी तरह की समस्या का निवारण कर सकते हैं। मैंने खुद ने यह सब देखा है कि कई लोग कैसे थे, उन्हें भगवान में जरा सी भी आस्था नहीं थी, और आज वो लोग भगवान के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रहते हैं, अपनी हर समस्या भगवान के सामने बोलते हैं। और सिर्फ दो दानों की वजह से, चावल के दो ही दानों की वजह से उनकी हर समस्या का समाधान होता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस इतनी ही थी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन को भी दबा लें। ये मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर बोलें दोस्तों। यदि आपके जीवन से समस्या समाप्त ही नहीं हो रही है, आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके थक चुके हैं, लेकिन आपको परेशानियों से निजात नहीं मिल पा रही है, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। समस्या चाहे कोई भी हो, उसका निवारण हम आपको आज की वीडियो में बता देंगे, जिसको आपको केवल एक ही बार प्रयोग में लाना होगा। आपको करना क्या है, आज यह हम आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। बस आपको अच्छे से इस उपाय को कर लेना है, या फिर यदि आप चाहें तो इसे कहीं पर लिख भी सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर लें। बस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि कई लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर चली जाते हैं और जब उपाय करने लगते हैं तो वापस से कमेंट में आकर पूछते हैं। लेकिन आप एक बार प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो जी हाँ दोस्तों, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं हमेशा की तरह आपके कमेंट का जवाब दूंगी। कितनी बार कुछ लोग कमेंट करके ऐसे भी पूछते हैं कि उनकी यह समस्या है, इसका क्या हल होगा, तो उन सभी के लिए अलग अलग समस्याओं के निवारण हेतु ही मैंने यह एक वीडियो बनाई है। तो आपकी जो भी समस्या हो, आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें। आपको करना क्या होगा, पहले तो आप शांत मन से एक जगह बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, और उसके बाद आपको सोचना है कि मेरी परेशानी क्या है। ये परेशानी कुछ भी हो सकती है दोस्तों, चाहे विवाह संबंधी परेशानी हो, रोजगार से जुड़ी परेशानी हो, या धन संबंधी परेशानी हो, संतान संबंधी, नौकरी संबंधी, या फिर परीक्षा से संबंधित, या फिर प्रेम विवाह संबंधी समस्या। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको केवल अपने मन में उस समस्या के बारे में सोचना है। अब आप अपने मन ही मन में ये सोचें कि आपके घर के आसपास में कौन सा मंदिर है,
आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो, वह मंदिर छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का मंदिर हो सकता है, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, चाहे वह मंदिर भगवान शिव जी का हो, माता दुर्गा का हो या फिर किसी अन्य देवी देवता का मंदिर हो, वह किसी भी भगवान का मंदिर हो सकता है। बस आप केवल उस मंदिर को अपने मन में सोचें और उसके पश्चात आप अपनी परेशानी के बारे में सोचें और अब आपको क्या करना है, इस मंदिर में जाना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा। दोस्तों, ये जो मैं आगे की आपको बात बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको चावल के दो दाने ले लेने हैं। चावल के ये दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको घर से दो चावल के दाने लेकर मंदिर चले जाना है और जब आप ये चावल के दाने लेकर मंदिर जाएं तो मन ही मन में आप अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहें। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, आपके पास यदि कोई गमछा है या कोई रुमाल है, उसके एक कोने को पकड़कर आप मंदिर में थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। ऐसा आप कपड़े से या फिर मंदिर में यदि झाड़ू मौजूद है तो आप उससे भी झाड़ू लगा सकते हैं। सफाई आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अब ऐसा करने के पश्चात आप भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने बैठ जाएं और उनसे प्रार्थना करें। लेकिन ध्यान दें, यदि शनिदेव का मंदिर है तो आप कभी भी शनिदेव की आंखों में ना देखें, क्योंकि उन्हें यह श्राप मिला हुआ है कि जो भी उनकी आंखों में देखेगा उसकी कुंडली में शनि की 7.5 आ जाएगी। इसलिए यदि आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो उनसे प्रार्थना तो अवश्य कीजिए, लेकिन उनकी आंखों में ना देखें। और यदि किसी अन्य भगवान का मंदिर है तो वहां आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। उनकी आंखों में देखते हुए अपनी परेशानी कहें और जो दो दाने चावल के आपके हाथ में हैं उन चावल के दानों को अर्पित कर दें। ऐसा करते समय आप केवल भगवान का ही विचार करें, आपके मन में कोई अन्य बात नहीं चलनी चाहिए। अब चावल अर्पण करने के बाद आपकी जो भी परेशानी है वह परेशानी आप भगवान से मन ही मन में बताएं और भगवान से अपनी इस परेशानी का हल भी मांगें। उनसे कहें कि हे ईश्वर, मेरी ये परेशानी है, अब आप ही मुझे इस परेशानी से पार लगाएं। जब आप भगवान से अपनी परेशानी बताएंगे, उसका निदान मांगेंगे, तो आप विश्वास कीजिए भगवान उसका निदान अवश्य ही करेंगे। आप भगवान से ये भी कहें कि जो मेरे सामर्थ्य में था वह मैं आपको अर्पण कर चुका हूँ, अब मेरी यह जो समस्या है वह आपकी हो चुकी है, अब आप इसका निवारण करें। मैं हर तरफ से हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूँ, मुझे मेरी इस परेशानी का कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी मेरी समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं संसार में पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। आपकी जो भी परेशानी है, आपकी आत्मा से निकले हुए जो भी शब्द है, आप उन शब्दों को, अपनी उस परेशानी को भगवान के सामने कहें। मन ही मन में आपको ये सारी परेशानियां सभी कुछ भगवान से बोलना है कि प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूँ, इसलिए आप मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालिए। अब इस दरबार को छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ। आप भगवान से कहें कि हे भगवान, अब आप ही मेरी आखिरी तलाश हो, अब आप ही मुझे इन परेशानियों से निकाल सकते हैं। ऐसा आपको मन ही मन में स्मरण करते हुए भगवान पर पूरी आस्था के साथ बोल देना है। और इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप मन में पूरा विश्वास रखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे ये बोलती हूँ कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। आपको मन ही मन में भगवान पर इतना विश्वास बनाना है कि ये जो भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। और आपने जो वो दो दाने भगवान को चढ़ाए हैं, आप विश्वास कीजिए दोस्तों, भगवान उसकी रेस्पेक्ट जरूर करेंगे। बस केवल आप ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। ईश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि आपको आपकी हर समस्या का समाधान दे सकते हैं, चाहे वह समस्या कैसी भी हो। दोस्तों, केवल ईश्वर ही ऐसे हैं जो कि आपकी किसी भी तरह की समस्या का निवारण कर सकते हैं। मैंने खुद ने यह सब देखा है कि कई लोग कैसे थे, उन्हें भगवान में जरा सी भी आस्था नहीं थी और आज वो लोग भगवान के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रहते हैं, अपनी हर समस्या भगवान के सामने बोलते हैं और सिर्फ दो दानों की वजह से, चावल के दो ही दानों की वजह से उनकी हर समस्या का समाधान होता ही चला जा रहा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बस इतनी ही थी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन को भी दबा लें। ये मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।